आई फील सो हैप्पी जब आप ये कहते हैं कि हो चुका, मतलब आप नंबर्स और कैलकुलेटर और यू नो यू सिटिंग विद द टीम ऑफ मार्केटिंग जस्ट गिविंग यू नंबर, इतने थिएटर में इतना होगा, इस यू नो सर्किट में या इस बेल्ट में हम इतना कमाएंगे, अब आप उससे बाहर निकल के अब अपना जो जुनून है उसको जीने की राह पे हैं। व्हाट नेक्स्ट सूरज जी? अभी शुरू करूंगा मैं अपनी पिक्चर मार्च अप्रैल में, और इस बार मेरा बहुत मन है 10 साल से कि मैं जो शादी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है उस पर कैसे हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए जितने हम करियर को देते हैं। मतलब बहुत आसान है बिखर जाना, लेकिन उसको समेट के रोज उसमें कैसे यू हैव टू गिव वाटर एंड कीप इट अलाइव, बिकॉज दिस रिक्वायर्स एज मच कैपिटल एज मच एज करियर्स। आज करियर्स हैं सबके, बट इसको भी इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो इट विल हेल्प सो मेनी पीपल। Do you agree with this that the percentage of divorce is so high? Yes, yes, हाँ। क्योंकि वो आपसी तालमेल बैठ ही नहीं पाता। आपने एक जिक्र और भी किया, आप अपनी धर्मपत्नी का जिक्र कर रहे थे, 40 साल जब मैं भागम भाग बिजनेस फिल्में और ये करना है वो करना है, जो आपको उनसे कहना था वो आप कह नहीं पाए, वक्त लगा, वो भी कहीं है बैक ऑफ द माइंड कि यार मैं जो मिस कर गया, वो जो नई जनरेशन है, जो नई पौध है, वो मिस ना। कभी अपन देखे जो अपने वचन होते हैं, लोग तो मजाक उड़ाते पंडित जी को, अपन बोलते जल्दी कर दो, आज तो ये भी है कि मैं आईपीएल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट अगर आप देखें वेदों में लिखा है कि विदाई की रस्म दुल्हन के लिए नहीं दूल्हे के लिए बनी है ताकि उसे एहसास हो किसे ले जा रहा है, नहीं तो कभी दूल्हा क्यों चल रहा है विदाई में साथ में। तो वेदों में क्लियर कट लिखा है कि जो मैं ले जा रहा हूँ वो किसी का दिल का टुकड़ा ले जा रहा हूँ, और 90% हम दूल्हे, हम आईपीएल का क्या स्कोर है उस समय। तो ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी कि मैं किसी का दिल लेके आया, कोई सामान नहीं लाया हूँ, किसी का दिल लेके आया। तो अगर हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो कितना छोटी चीज़ लाइक एक्सेप्ट एंड देन एक्सपेक्ट। फर्स्ट हम एक्सेप्ट करें कि हम एक दूसरे हम परे होंगे, फिर हम एक्सपेक्ट करें कुछ। एक बेटी जिसको पूरी जिंदगी एक माँ बाप ने पाला और वो आपके हवाले कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया छोड़ के सिर्फ आपके लिए आपके लिए आई है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं इस बार बोलना चाह रहा हूँ। देखिए स्क्रिप्ट में